भारतीय संस्कृति में वट सावित्री व्रत का अत्यधिक महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सावित्री ने अपने पति की दीर्घ आयु के लिए किया था और उसी दिन से इस व्रत को करने की परंपरा आरंभ हुई। स्कंद पुराण के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। इस दिन वट वृक्ष के नीचे पूजन करने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। इस वर्ष सन 2020 में यह व्रत 22 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि आरंभ होगी 21 मई 2020 रात 9:35 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 22 मई 2020 रात 11:08 पर। आइए अब हम जानते हैं इस व्रत की पूजन विधि। पुराणों के अनुसार बिना पूजन सामग्री के यह व्रत अधूरा माना गया है, तो सर्वप्रथम हम इस व्रत की पूजन सामग्री के विषय में जानते हैं। पूजन सामग्री: सत्यवान सावित्री की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल धागा अर्थात मौली, धूप अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक और बत्ती, घी, फूल और 5 प्रकार के फल, पिसी हुई हल्दी, रोली, वट वृक्ष के पत्ते, जल, कच्चा दूध, लोटा, दक्षिणा के लिए खुले पैसे, पूरी, हलवा, प्रसाद के लिए गुड़ और भीगे चने, बांस की 2 टोकरी, 7 प्रकार के अनाज। तो यह थी इस व्रत की पूजन सामग्री। अब हम जानेंगे इस व्रत की पूजन विधि। सर्वप्रथम इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां प्रातः शीघ्र उठें और 16 श्रृंगार कर दुल्हन की भांति तैयार हो जाएं। क्योंकि यह व्रत अपने पति की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना अति आवश्यक है। उसके पश्चात अपने मंदिर में भगवान के समक्ष इस व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले एक बांस की टोकरी में 7 प्रकार की अनाज रखें और दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की मूर्ति रखें। उसके पश्चात एक थाली में सारी पूजन सामग्री सजाकर वट वृक्ष के नीचे जाएं। पूजन करते समय पीलिया अथवा लाल रंग की चुन्नी से अपना सिर ढक लें। दोनों बांस की टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। माता सावित्री को प्रणाम करें और वट वृक्ष को भी प्रणाम करें। कहा जाता है कि वट वृक्ष ने सावित्री के पति सत्यवान के मृत शरीर को अपनी जड़ों में सुरक्षित रखा था, ताकि कोई जंगली जानवर उस शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके और इसी वृक्ष के नीचे सत्यवान के मृत शरीर में प्राण वापिस आए थे। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। अब वृक्ष के नीचे धूप बत्ती जलाएं, माता सावित्री को धूप बत्ती दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं और इस प्रकार से वट वृक्ष की पूजा करें। अब कच्चे दूध में जल मिलाकर लोटे से वट वृक्ष पर चढ़ाएं। गुड़, हलवा और फल भी माता सावित्री को और वट वृक्ष को अर्पित करें। वट वृक्ष से अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करें। आप कच्चे सूत में हल्दी लगाकर या सिंदूर लगाकर वट वृक्ष पर लपेटते हुए वृक्ष की परिक्रमा करें। यह परिक्रमा 7 बार, 11 बार अथवा 21 बार करें। हर परिक्रमा पर वट वृक्ष पर एक चना चढ़ाते जाएं। आप वट वृक्ष को बांस के पंखे से हवा करें। एक थाली में गुड़, भीगे चने, हलवा, पूरी और कुछ रुपए रखकर बायना निकालें। इस बायने की थाली को गोद में रखकर श्रद्धा से व्रत कथा का श्रवण करें। इस दिन वट वृक्ष की पत्तियों को मौली से बांधकर अपने बालों में सजा लें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। घर आकर यह बायना अपनी सासू माँ को पांव छूकर दे दें और उनसे आशीर्वाद लें। फिर अपने पति के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें और उन्हें भी पंखा करें।
व्रत खोलते समय सबसे पहले वट वृक्ष की लाल कली को पानी से निकलकर अपना व्रत खोले। इसके पीछे एक पौराणिक धारणा है कि जब सत्यवान मरना अवस्था में थे तब सावित्री को अपनी कोई सुध नहीं थी, परंतु जैसे ही यमराज ने सत्यवान के प्राण वापिस किए तब सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जल पिलाया और स्वयं भी वट वृक्ष की इस लाल कली को जल से निगलकर अपना निर्जल व्रत खोला। कथा के अनुसार सावित्री ने इस दिन निराहार व्रत किया था और भगवान विष्णु की आराधना की थी और वट वृक्ष के नीचे ही उन्हें अपने पति के प्राण वापस मिले थे। वट वृक्ष की पूजा के पश्चात किसी सुहागिन स्त्री को एक टोकरी में श्रृंगार का सामान रखकर देना चाहिए। यह टोकरी सौभाग्य बिचारी के नाम से जानी जाती है। पूजा समाप्ति के पश्चात किसी ब्राह्मण को भी दक्षिणा और फल देना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं इस व्रत का महा उपाय। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के वृक्ष का रोपण करता है उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन शनि जयंती भी है, इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष और पीपल की वृक्ष की पूजा करने से महा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर भगवान आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के विषय में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है, उपयोगी लगी है, तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।